देखा ये और भी इधर से मतलब कम से कम 70-80 बाल ऐसे पूछे जमीन पे ऐसे तैर रहे होते हैं। ये सीने पे पत्थर रख के वो चीज़ करने जा रहा हूँ, फिर भी मैं वो चीज़ करूँगा क्योंकि मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। सीरियसली बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। एक ही बारी में मैंने निकाला ये बाल, देखो इतने सारे एक ही बारी में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। सॉरी, मैंने इस यात्रा में अभी आज एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है, बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा है, लोगों के लिए नहीं होगा, आपके लिए नहीं होगा, शायद कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ा डिसीज़न है जो मैंने लिया है अभी। ये डिसीज़न वो बहुत बड़ा है, अपनी ये सीने पे पत्थर रख के वो चीज़ करने जा रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है मेरे लिए, फिर भी मैं वो चीज़ करूँगा क्योंकि मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। सीरियसली बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, कसम से हालत ख़राब हो गई है मेरी उस चीज़ को लेकर। तो अब मैं फाइनली वो चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है। देखते रहना आगे ब्लॉग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस यात्रा में होने वाली कथाओं को देखने के लिए। महादेव जस्ट अपनी उठाई, चलते हैं, मुंह धो लेता हूँ पहले, फिर बताता हूँ मैं आपको आराम से। इस पूरे ब्लॉग में आपको वही चीज़ दिखेगी जो चीज़ मैं करवाने वाला हूँ या जो चीज़ होने वाली है। भाई यार मुश्किल है जो मेरे लिए वो चीज़ होने वाली है। भाई साहब एक बहुत सही चीज़ मिली है मेरे को अभी, मतलब मेरे पास डॉगी था वो फ़िलहाल अभी ऑफ हो गया, मतलब 12 साल का होके ऑफ हो गया था। उसके बाद अगर मैंने कोई डॉगी लाने को सोचा घर के अंदर, वैसे तो गायें भी है अपने घर पे, तो एक ही ब्रीड है मेरे लिए, दो ब्रीड सोची थी, एक तो लेब्राडोर और दूसरा गोल्डन रिट्रीवर। तो इनमें से मेरे को गोल्डन रिट्रीवर मिला है अभी, ये देखो ऐसा दिखता है गोल्डन रिट्रीवर। ओए इधर देख, लेजी लेजी, क्या नाम है, लेजी लेजी लेजी, इधर देख, देखो लेजी है, ये डेजी नहीं है, आलसी है। कहाँ जा रहा है, ये देखो ये है गोल्डन रिट्रीवर, फैमिली के लिए सबसे बेस्ट डॉगी है ये। सो फाइनली जो मेन चीज़ है, अब मैं आपको बताता हूँ कि दिक्कत क्या आ रही है, वो है मेरे बाल। सबसे बड़ी दिक्कत है फिलहाल मेरे लिए इस यात्रा में बाल, क्योंकि हर तरीके से मैं बाल को लेकर परेशान हो गया हूँ भाई, खतरनाक वाला परेशान। नहाने जाऊँ तो प्रॉब्लम, पसीना आए तो प्रॉब्लम, कहीं खाना खाने बैठूँ तो प्रॉब्लम, नहाने जाऊँ तो भाई गुच्छे निकलते हैं बालों के अंदर से, पूरी हालत ख़राब हो जाती है मेरी। मैं आपको बाल दिखाता हूँ, रुको अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरे बाल। मैं भाई साहब ऐसे परेशान हुआ हूँ, मैं इस बालों से एक ये रखने पड़ते हैं, अभी पीछे की साइड आ दिखा एक बारी, ये देखो ऐसे प्रॉपर गुच्छे बने हुए, तू ऐसे हाथ लगा के दिखा तो सही, ये गुच्छे दिखा प्रॉपर ऐसे जुड़े हुए, ये देख ऐसे दिखा, ये और भी देख, ये प्रॉपर, ये रहा एक, एक ये रहा, एक ये भाई। अब लेके आगे लेके आ, अब मैं इन बालों को, मतलब ना तो मैं शैम्पू कर सकता हूँ ना मैं इनको कंघी कर सकता हूँ, हालत ख़राब हो गई है। और जब बाथरूम में भाई पास में लेके आया ना, सुनाई देना चाहिए, बाथरूम में जब नहाने जाता हूँ ना भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब कम से कम 70-80 बाल ऐसे पूछे ज़मीन पे ऐसे तैर रहे होते हैं भाई, इतना दुख होता है ना, मतलब यार क्या समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैंने फाइनली सोच लिया भाई अपन बाल कटवाएंगे, बस मैं बाल नहीं बढ़ाऊँगा इस यात्रा में, हालत ख़राब हो गई है। एक तो इनको संभालना बहुत मुश्किल है भाई, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए फाइनली मैं अपने बालों को कटवा रहा हूँ। लेट्स सेट, अब जहाँ पर मैं बाल कटवाने आया हूँ, मैं पहले ही पहुँच गया था, डिसीज़न पूरा ले लिया था, सिर्फ आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाई है। डिसीज़न हमने यहाँ बाल कटवा रहे हैं, परफेक्ट कट्स करके नाम है दुकान का, तो यहाँ पर अंदर मेरे बाल कट होंगे। लेट्स गो, चले भाई, ये दोनों मेरे साथ में आए, ये और वो भाई, आ जाओ भाई। इसका नाम है जय, ये है महीसागर से। भाई आपका नाम बताओ, हैं? क्रिश। क्रिश, क्रिश मूवी वाला क्रिश? नहीं नहीं। तो कहाँ से?
कहाँ से? ये भी महिसागर से, दोनों ही महिसागर से भाई। तो लेट्स गो, चलते हैं अंदर अभी भाई। ये बाहर खुलता, मैंने अंदर खोल दिया। हेलो भाई। हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया। काट दो यार बाल, परेशान हो गया हूँ मैं से, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया हूँ यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कर दीजिए एयरब्रश, मैं तो वैसे ही हफ्ते में एक बार करता हूँ। सो ये सलून है, यहाँ पे मैं हेयर कट कर देता हूँ, हालत ख़राब हो गई मेरी। गुच्छे कट होने वाले हैं, अलग अलग कर दिया, इसको अलग भी नहीं कर सकते, टूट जाएंगे, अलग कर रस्सी बन जाएगी अलग, पूरी वैसे ही भाई। पूरे बाल छोटे हो रहे हैं सारे, अब मैं बाल बढ़ाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा बाल। लेना एक बार हाथ में मेरे को भाई, ये देखो कैसे थे बाल, एक साल की मेहनत। अब ये लास्ट क्लिप है, इस क्लिप के बाद मैं आपको सीधा फाइनल लुक बताऊंगा, ठीक है? दिखाता हूँ भाई। फाइनली अपनी हेयर कटिंग, बाल कटिंग हो चुकी है, और की थी अपने आशीष भाई ने। आशीष भाई है दिल्ली से, लेकिन मैं हूँ वडोदरा, भैया वडोदरा में काम करते हैं। मैं कितने साल से काम कर रहा हूँ? 6-7 साल से। थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट। और ऐसे ही अपना भाईचारा बना रहे बस। आनंद महादेव, सलाम अलैकुम, थैंक यू। तू भी बाल कटवा के आ गया और क्या? मैंने बोला बाल कटवाऊंगा मैं। The fuck, man. कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा हूँ? मुंह पे मारूंगा जूता। चले घर खुले, चलता हूँ। आजा आजा है? नहीं भाई, अभी वहीं से आ रहा हूँ मैं बाल कटवा के। हाँ फोन करता हूँ तेरे को भाई। शौक हो गया बाल कटवा लिया ऐसे करके, देखो कैसा लग रहा है। तुम ही बता दो यार, कमेंट करके बता देना आप लोग। पानी की बोतल पे पैर लग गया, नहीं लगना चाहिए। चाचा कैसा लग रहा हूँ आप बताओ? बढ़िया पक्का। मैंने 1 साल से बाल कटवाए, 1 साल का ऐसा पहला फोटो देखा, देखा था। चलो फिर ठीक है। एक पे बिल्डिंग में एक छोटा भाई मिला अपना, मेरे को व्लॉग देखता रहता है मेरे। सो इसका उससे पूछते बाल कैसे लग रहे हैं मेरे भाई, कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? पक्का पक्का। पहले ये बता तेरा नाम क्या है? देवराज। देवराज कौन सी क्लास में पढ़ता है? 7th। गुजराती मीडियम? राइट। कितने दिन से मेरे ब्लॉग देख रहे थे? महीना हुआ कैसे? महीना हुआ? मैंने तेरे को बताया 10 दिन हुए। महीना कैसे हो गया? महीना हो गया। झूठ मत बोल। नहीं मैं झूठ नहीं मत बोल। मैंने ही बताया तुझे मेरे वाले चैनल, मैंने बताया था। झूठ कैसे हो गया बता? झूठ नहीं बोलता। पक्का? पक्का। चल ठीक है, मिलते हैं फिर। हर हर महादेव। हर महादेव बोलो। महादेव महादेव महादेव। चलो बाय। कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया लग रहा हूँ ना? हाँ बहुत बढ़िया लिखते हो। पक्का? थैंक यू महादेव। सॉरी मैंने अपने बाल कटवा दिए, क्योंकि अब मैं बताता हूँ आपको मेन चीज़, क्योंकि मेडिकल कंडीशन हो गई थी, मेरे जो बाल थे तो जम गए थे, तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से पानी, शैम्पू, साबुन कुछ नहीं पहुँच पा रहा था, और एक जो वाइट परत होती है डेंड्रफ की वो लग गई थी वहाँ पे, और उसकी वजह से मेरे बालों को कैल्शियम भी नहीं मिल रहा था। और पीछे से आप बाल देख रहे थे कि वो प्रॉपर बाल नहीं, जटाएँ बन गई थी, गुच्छे बन गए थे, और मैं कंघी डालूँ तो भी वो फंस रही है, कुछ भी करूँ तो फंस रही है, तो वो एट द एंड मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। तो इसलिए मेरा डॉक्टर के सजेशन थी, और मेरा ये
खुद का था कि मैं कटवा दूं बाल, और मैंने फाइनली कटवा दिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हूँ मैं, मतलब फेस कट से सब कुछ सही लग रहा है, तो आगे कटवाता रहूँगा बाल, और अगर नहीं लग रहा है तो फिर भी मेरे को कटवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत परेशानी हो जाती है यात्रा के अंदर। बाकी सपोर्ट करते रहना, आप लोगों का साथ। महादेव का हाथ। जय महादेव, जय महाकाल।